लैब संचालक से एनओसी देने के नाम पर पर्यावरण विभाग द्वारा 5,000 रुपए रिश्वत लिए जाने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दुर्ग कलेक्टर से शिकायत की। आम आदमी पार्टी के दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस अग्रवाल के नेतृत्व में आप पार्टी के पदाधिकारियों ने मंगलवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच जिलाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र मीणा से मुलाकात कर पर्यावरण विभाग के उज्ज्वल कुमार मंडल द्वारा 5,000 रुपए रिश्वत लेने ऑनलाइन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए जाने की साक्ष्य के साथ शिकायत की। गौरतलब है कि पर्यावरण विभाग ने उज्ज्वल कुमार मंडल द्वारा लैब संचालक विकास चौधरी से एनओसी देने के नाम पर 5,000 की रिश्वत लेने की जानकारी और साक्ष्य को देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर दीपक कुमार को पर्यावरण विभाग के उज्ज्वल कुमार मंडल को निलंबित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर UPI रसीद है तो इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता और इस शिकायत को जिलाधीश ने दीपक कुमार को देते हुए कार्रवाई करने के लिए कहा। इस संबंध में पीड़िता और आप नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ में अस्पताल और क्लिनिक्स के लिए एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू हुआ है, जिसमें हर अस्पताल को, क्लिनिक्स को, पैथोलॉजी लैब्स को 3 डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ती है, पर्यावरण विभाग से, फायर विभाग से, और उसके बाद में CHMO ऑफिस में हमको एप्लीकेशन जमा करना पड़ता है। हम पिछले 2013 में जब से ये लागू हुआ है, लोग इसमें ज़बरदस्त रूप से पीड़ित हैं। हम अस्पताल वाले, चूँकि मैं भी एक अस्पताल चलाता हूँ, क्लिनिक चलाता हूँ, इसलिए मुझे पूरी जानकारी है। हर भ्रष्टाचार, हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कहीं पर भी बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले 15 दिन पहले हमने एक उजागर किया था मामला, जिसमें CMO ऑफिस के जो नोडल अधिकारी है, उन्होंने एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से NOC देने के नाम पर 50,000 रुपये की डिमांड की थी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरा मामला सामने आ गया है, जिसमें कि पर्यावरण विभाग वाले हर अस्पताल से बेड की संख्या के अनुसार से पैसे की मांग करते हैं और क्लिनिक से 5,000 से 7,000 रुपये की मांग करते हैं। इसका ये मामला जो है, उन्होंने ये रायपुर भेजते हैं, रायपुर में जो सचिव बैठते हैं पर्यावरण विभाग के, वहाँ पर ही 5,000 से 10,000 रुपये की मांग होती ही है। इस मामले के लिए हमारे पास आज सबूत है और इन सबूतों के साथ आज हम शिकायत दर्ज कराने आए हैं। चौहान है, मैं डूंगोगढ़ में, हमारी हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के अंदर हमारी पैथोलॉजी है। हॉस्पिटल का नाम है श्री राम कृपा हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी। मामला ये है कि पिछले कई वर्षों से पर्यावरण विभाग का हमको NOC लेना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। NOC लेने के लिए एक अलग क्राइटेरिया है कि आपको इतना 5,000 से 8,000 के बीच में आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। अब चूंकि अभी रिन्यू का मामला है, ये हमको उस डेट ख़त्म हो जाने की वजह से हमको रिन्यू करवाना था, तो हमने रिन्यू करवाने के लिए जब पर्यावरण विभाग से संपर्क किया, तो उनका ये कहना है कि आप पहले हमारा जो फीस है वो पटा दीजिए। हमने फ़ीस पटा दी, 10,500 रुपये पटाया, फिर एक फ़ीस और थी उनकी 15,000 रुपये की फ़ीस पटाई। अब चूंकि हमने सारी फ़ीस पटा दी थी, सारा प्रक्रिया हम कर चुके थे, फॉर्म हमने फिलअप कर दिया था उनके कहा अनुसार, अब उनका ये कहना है कि आपको NOC तब मिलेगी जब आप हमें करीबन 5,000 से 8,000 रुपये के बीच में देंगे। तो हमने 2,000 रुपये पहले उनको कैश में दिया, उनके बहुत ज़्यादा ज़िद करने पर धमकी, यहाँ तक वो ये तक धमकी देते हैं कि हम आपके ऊपर, आपके जो आयुष्मान कार्ड है हमारा हॉस्पिटल, तो आयुष्मान कार्ड आपका रद्द करवा देंगे, आपको NOC नहीं देंगे। आपके ऊपर क्वेरीज होती हैं बहुत सारी। क्वेरी मतलब ये होता है कि आप हमें ये दिखाइए कि आपका DTP कैसा है, शार्प। क्या मानते हैं किस तरह से व्यवहार हो रहा है आपको, तो क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमने मजबूरी में, हमने बहुत प्रयत्न किया उनको समझाने का, अपना काम निकलवाने का, लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक आप पैसे, सीधा सीधा और स्पष्ट कहना है कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे आपका काम नहीं होगा। प्रमाण है उसका, ये उज्ज्वल कुमार मंडल 32 बंगला पर्यावरण विभाग, ये पूरी चेन बनी हुई है। यहाँ पे फर्स्ट NOC का प्रथम चरण, यहाँ पे आपको 5 से 10 हज़ार देने हैं, छोटा अस्पताल, बड़ा अस्पताल, छोटा लैब, बड़ा लैब, उसके बाद फिर रायपुर मंत्रालय, पर्यावरण विभाग मंत्रालय, सेकंड किस्त आपको वहाँ पे देनी है। और ये आप सोचो कि पूरे छत्तीसगढ़ में लैब, अस्पताल, नर्सिंग होम्स कितने हैं, तो कितनी वसूली राज्य स्तर पर होती होगी, ये आपका ये प्रकरण बता देता है, स्पष्ट कर देता है कि कितनी वसूली हो रही है। आज आप यहाँ आए, क्या चाह रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई? हम लोग मुख्यमंत्री के नाम पर और जिलाधीश महोदय के नाम पर ज्ञापन देने आए, शिकायत करने आए। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे और हम लोग माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे और आंदोलन की दिशा में जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।